What's up guys, this is me Lovjeet Arora, welcome in the Tech Queen channel. तो चलिए आज की इस कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हमारी फाइल के अंदर अगला प्रोग्राम है. अब इसके बाद बच्चा एक ही प्रोग्राम है जो रह गया है. एक्चुअली में जो इसके जस्ट बाद का प्रोग्राम आप देखोगे, जिसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला आपका प्रोग्राम एक्चुअली यही प्रोग्राम है जो आपने ऊपर यहाँ पर किया था. ठीक है, पिछले साल जो आपका था उसके अंदर भी सेम प्रोग्राम था, बट उसमें थोड़ा सा चेंज था. बट इसमें वो चेंज नहीं है, आपके पास भी है तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो. सो इसको दोबारा लिख लेना उसके अंदर. तो चलिए, हम येलो वाला पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे. बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि यार लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो. ठीक है, अभी कर सकते हो वरना बाद में आप भूल जाओगे. और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना, पूरा नहीं देखते हो आप लोग. हाँ चलिए, अब कहता है कि इनपुट अ लिस्ट ट्यूपल ऑफ एलिमेंट्स, सर्च फॉर अ गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट और ट्यूपल. इसको पहले स्टडी कर लेते हैं कि भाई हम लोग कौन से तरीके वे हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको करेंगे. सबसे पहले यूज़र है जो बच्चा हमारे पास में एंटर करेगा कोई भी लिस्ट या फिर ट्यूपल. तो हम कुछ भी एंटर करा लेते हैं. ठीक है, हमारी मान लीजिए ये लिस्ट है. अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम हमें क्या करना है, यूज़र से एंटर करानी है की, यानी कि भाई जिसको मुझे ढूंढना है. हमने कह दिया 55 को ढूंढ के. तो अब मैं जो मेथड इसके अंदर अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि तो ना तो आपके सिलेबस में दे रखा है कोई सर्चिंग टेक्निक और ना ही स्पेसिफिकली प्रोग्राम के अंदर बता रखा है कि इस टेक्निक के थ्रू आपको सर्चिंग है जो अप्लाई करना है. तो बहुत सारी सर्चिंग टेक्निक होती है, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च. तो हम लीनियर सर्च यहाँ पर करें. लीनियर सर्च की अगर हम बात करें तो ये एक एफिशिएंट वे नहीं है. वो किस वजह से, ये इजी है कोड में, बट अगर हम इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो उस टाइम पर ये एक एफिशिएंट कोड नहीं माना जाता. वो किस वजह से, जब मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद इसको देखोगे. वैसे इसका कोड बहुत इजी है कि आपको एक झटके में समझ आ जाएगा. जैसे बच्चा मुझे 55 को सर्च करना था, अब मैं क्या करती हूँ, उस 55 को ना हर एक के साथ में कंपेयर करूँगी. जहाँ मुझे मिल गया वहाँ मैंने बोल दिया कि येस आई फाउंड इट. अब इसके अंदर क्या चीज़ हो जाती है, अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल को बताऊँ कि भाई अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो 100वें नंबर पर है. तो अब देखो मुझे 99 कैसे विजिट हैं जो करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर एक एफिशिएंट कोड नहीं होगा जब हमारे पास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या हैं ज़्यादा है. खैर हमें इससे क्या मतलब है ना, अभी तो हमें ना तो किसी टेक्निक का नाम दिया गया और ना हमारे सिलेबस में. हम तो कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं. बाइनरी सर्च वगैरह भी आपको बता सकते हैं, बट वो थोड़ी टफ पड़ जाएंगे, है ना. जब आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इजी वाली टेक्निक को अपनाओ यहाँ पर. और मैं आपको फंक्शंस के थ्रू भी बता दूँगी कि भाई बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू भी हम लोग ये सेम चीज़ कैसे कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करेंगे और इसके लिए सीधा हम लोग जंप करते हैं पाईचार्म की तरफ और एक लिस्ट हम लोग यूज़र से इनपुट करा लेते हैं. चाहे आप इसको लिस्ट बोलिए, चाहे आप बोलिए कि भाई हम लोग एक ट्यूपल एंटर करा रहे हैं. तो यूज़र हमारा इनपुट करेगा एंटर लिस्ट या फिर ट्यूपल, ये यूज़र की चॉइस होगी. अब हम यूज़र से की एंटर करा लेते हैं कि जिसको आपको सर्च करना है. ठीक है, तो इंटीजर में एंटर होगा. सर्च के लिए, सॉरी इनपुट नहीं लिखा, इनपुट करेगा यूज़र. अब कोई भी जो भी एंटर कराना है, हमने फोर लूप चला दिया, फोर आई इन रेंज, और रेंज कहाँ तक, जहाँ तक लेंथ होगी ए की. ठीक है, जहाँ तक हमारे पास में लेंथ होगी किसकी, ए हमारी लिस्ट की. वैसे आप रेंज का बिना यूज़ किए भी कर सकते थे, है ना. आपने आई इन ये ए लिखना था तो उसने एक एक पिक करके लाना था और देख लेना था, है ना. ये भी कर, खैर मैं वो भी बता दूँगी. अब हम इफ़ कंडीशन को चलाते हैं और हम कहते हैं कि ए के आई में जो भी है अगर वो मैच करे उस पर्टिकुलर की के साथ में, तो हम यहाँ पर एक फ्लैग ले लेते हैं फाउंड नाम से, है ना. तो हम कहेंगे कि भाई यस फाउंड हो गया, फाउंड इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं और यहाँ पर सीधा ब्रेक कर देंगे. ओहो कैपिटल में लिख दिया,
वी ब्रेक, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि अगर हमारा फाउंड है, अगर वो इक्वल्स टू वन है, तो हम यहाँ पर कहें कि भाई प्रिंट कर दो, यस इट्स फाउंड, राइट। और अगर ऐसा ना हो तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर दें क्या, नो इट्स नॉट। अब इसको सही से कर लेते हैं, इफ़ कंडीशन यहाँ पर, ठीक है, और ये इंडेंटेशन, और फिर हमारे पास में आएगा else यहाँ पर, एक सेकेंड, राइट। अब क्योंकि हमारा फाउंड यहाँ पर नहीं है तो ये अंडरलाइन दिखाता रहेगा हमें, तो हम यहाँ पर फाउंड को डिक्लेयर कर देते हैं और फाउंड के अंदर हम लोग ज़ीरो डाल देते हैं, क्योंकि अगर मिलेगा तभी तो वो अंदर जाएगा और तभी ये वन होगा, और ये तभी वन होगा तब जब हम बोलेंगे भाई कि यस हमें मिल चुका है, नहीं तो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा और कभी अंदर नहीं जाएगा, दैट मीन्स वो आइटम उसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। तो खैर चलिए हम इसको रन करके यहाँ पर देख लेते हैं। हम कोई भी लिस्ट एंटर कराते हैं यूज़र से, अब हम कहते हैं कि हमें क्या सर्च करना है, हम कहते हैं 44, तो ये 44 मिल गया। अब इसी लिस्ट को कॉपी करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, डालते हैं और हम कहते हैं कि हमें 11 फाउंड करके दो, तो इसने कहा कि भाई वो नहीं है। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, और अगर मैं यहाँ पर सीधा ए लिखूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मुझे ए का आई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं ए सॉरी आई ही दे दूँगी सीधा, है ना। तो ये भी हम लोग यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करती हूँ, कंट्रोल वी, हमने कहा 33, तो यस फाउंड। अब मैंने रन किया तो मैंने कहा 90, नॉट फाउंड। ये तो तरीका हुआ मैनुअल में। अब एक तरीका हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि ये कोई भी चीज़ हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना फाउंड हो गया कुछ भी नहीं, फोर लूप वगैरह, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट और ए डॉट इंडेक्स। अब हमारे पास में की, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो हमें यहाँ पर लिस्ट एंटर करना है, और मान लो मुझे 22 या फिर 55 था, तो ये मुझे बता देगा कि भाई ये तीन नंबर इंडेक्स पर है, ठीक है। तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते थे। अब मैं इसको ऐसे करूँ, अगर इसको ब्रैकेट में ला करके ए है ऐसे प्रिंट कर देती हूँ, तो अब ये क्या करेगा, तो ये 55 ला दिया कि हाँ मिल गया, है ना, कि मैंने उसको इंडेक्स ही बना दिया उसका। अब इस तरीके से, बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर मैं ऐसा एलिमेंट कह दूँ जो इसमें है ही नहीं है, उस केस में ये एफिशिएंट नहीं है, है ना। उस केस में हमें ये वैल्यू एरर दे रहा है कि भाई 23 तो इसके अंदर है ही नहीं है, आप कहाँ से देंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग इसके साथ में है जो काम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इंडेक्स फंक्शन के थ्रू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और मैनुअली अगर हम कोड लिख करके जाएं तो हम लोग किस तरीके से फाइंड है जो अपनी आइटम्स को लिस्ट में से या ट्यूपल में से कर सकते हैं। ट्यूपल में भी सेम ही होगा, आपको जस्ट ट्यूपल एंटर है जो करना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।